सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने रमेश गोयल जी, जो कि आपके प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद के टोहाड़ा नगर परिषद के लिए, उनको यहां वेलकम किया। सशक्त मातृशक्ति बनाडा कॉलोनी के सभी प्रबुद्ध साथियों, आपके सामने है कि 19 तारीख को डायरेक्ट पहली बार मेयर पद का चुनाव होने जा रहा है और मेयर पद के चुनाव में इस बार गठबंधन ने एक ऐसा उम्मीदवार आपके बीच में भेजा है जो सरल स्वभाव का धनी है, ईमानदार है, एक नेक दिल इंसान है, जिन्होंने पिछले 25 सालों से लगातार समाज के अंदर सेवा के माध्यम से आम आदमी का दिल जीतने का काम किया है। आने वाला टाइम, ये जो 19 तारीख आ रही है, हम सबको रमेश गोयल के रूप में एक बहुत बढ़िया इंसान मेयर के रूप में मिलने जा रहा है। जो हमारे मुकाबले में उम्मीदवार है वो तो भाई करोड़पति है, वो कहते हैं अभी हम तो ना धन बल से इलेक्शन जीतेंगे। अब देखो, आपने देखना है अभी धन बल से बड़ों को जिताओगे या आप जैसा आदमी हूँ, आप जैसा इंसान हूँ, आपके बीच में रहने वाला हूँ, भाई उसको जिताना है या पैसे से। वो कहते हैं खरीद लेंगे, भाई कौन बिकेगा, कौन खरीदेगा। तो भाई ये तो बेकार की बातें हैं, उस आदमी को चुनो जो आपके बीच में रहता है, आधी रात को आपके दुख सुख में काम आता है। और ये आज ये नहीं है भी, आज इलेक्शन हुआ है, आज ही हम बीच में आए हैं। हम तो पिछले 15 सालों से व्यापार मंडल के नाते भी हमने व्यापारियों के कोई भी समस्या समाधान निकाला है। तो दोस्तों, आगे भी हम सेवा करने के लिए आए हैं। हरी जन समर्थक मिला है, इसके लिए मैं सारे शहरवासियों का, जनता का आभार भी व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही मेरे को अगर जन समर्थक मिलता रहा तो जीत एक तरफ है। मैडम सुशील गुप्ता जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने उनका कहना है कि 75 साल में अभी तक हरियाणा में कोई विकास नहीं हुआ, क्या अब होगा, क्या कि उनको क्या अब होगा हरियाणा में विकास? विकास तो मैडम हो ही रहा है, हर विकास की कोई सीमाएं नहीं है। विकास तो जितना मर्जी करते रहो फिर भी विकास की कमियां रह जाती हैं। तो विकास को गति देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री अपना मनोहर लाल जी खट्टर और हमारी यहाँ टोहाना की टीम, जैसे कि देवेंद्र जी बबली, निशान सिंह जी, सुभाष जी बराला, तो लगे हुए हैं विकास कराने के लिए। ग्रांट ये लेते हैं, काम हम करवाते हैं। मैं कहूँ भी कभी कम नहीं होती, कभी दूर नहीं होती समस्या। तो एरिया बढ़ता रहता है, पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होती रहती है। उस रिक्वायरमेंट के लिए अभी पीछे से पानी की पाइप का कितना डाला, अभी बरसाती पानी की बात करते हैं तो बरसाती पानी के लिए 34 करोड़ रुपए हमारे आदरणीय देवेंद्र बबली जी जो सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने 34 करोड़ रुपए की ग्रांट लिया करके उसको पानी, बरसाती पानी की समस्या थी जो बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दी। जो अगला जो बरसाती का मौसम आएगा उसमें ये समस्या नहीं रहेगी। नशे की बात सुन लो, नशे के लिए हमने चुनाव तो अब आया है, ये तो अभी एक 15-20 दिन से है। हमने जो वाल्मीकि बस्ती थी जहाँ नशे का ज़्यादा दिखता था, वो हमने सेमिनार लगवाए थे DSP साहब और SHO, हम SP से मिले थे, SP ने हमारे को ये ड्यूटी लगाई थी एज ए व्यापार मंडल के नाते, जब मैं व्यापार मंडल में अब भी हैं, पहले भी थे, हमने वहाँ सेमिनार लगाए। और अब मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ कह रहे हैं बस्ती वाले भाई उस सेमिनार का जो आपने ये लगाए थे कैंप से, उसका हमें बहुत लाभ हो रहा है। और इसका ये इलेक्शन के बाद हम फिर वही स्टार्ट करेंगे, नशे को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, इसको जड़ मूल से ख़त्म करेंगे। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जुड़ पाएंगे क्या, जुड़े हुए हैं, उनकी तो बाहर अंदर का थोड़ा सा पार्टियों का रहता है, और देश के बड़े नेता हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे साथ मिल के चल रहे हैं, सारे वर्कर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब ये दो दिन के बाद देखना आप, अभी तो आपको थोड़ी सी पता नहीं क्या है, 2 दिन के बाद देखना स्टेज पे सारे नेता इकट्ठे होंगे। मैं तो भाई जीत के लिए आश्वस्त हूँ, और जैसे लगता है, जैसे मेरे को जन समर्थक मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो उससे लगता है कि मेरी जीत एक तरफा है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट मांगे तो हाना में क्या कहेंगे?
देखो जी, हर पार्टी का हक है, हर पार्टी मांगेगी वोट, तो आम पार्टी मांग रही है, हम भी वोट ही मांग रहे हैं, ऐसे ही कांग्रेस भी मांग रही है, वोट मांगना तो मैडम सबका राइट है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।